If a pair of linear equations, this and this, have unique solution, then find the value of k. अब unique solution कब होता है? जब हमारे पास a1 by a2 doesn't equals to b1 by b2 हो जाए, तब solution कौन सा होता है? Unique. Unique solution होने का मतलब क्या होता है? कि lines एक point पे intersect करती हैं. तो इन्हीं ratios को use करके अब हम यहाँ पर k की value निकालेंगे. a1 कितना है हमारा? x का coefficient, a1, y का coefficient, b1. कांस्टेंट c1, x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 एंड कांस्टेंट c2. अब अगर इनकी रेशियोस की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल a1 by a2 दैट इज k by 6, k by 6 लिख दिया हमने, doesn't equals to b1 by b2. b1 कितना है, y का कोफिशिएंट कितना है यहां पर, -1 अपॉन b2. b2 कितना है, -2, y के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2. अब ये माइनस माइनस कट के पॉजिटिव हो जाएगा. k doesn't equals to, देखो 1/2 एज इट इज, ये जो 6 डिवाइड में है ये इस डजंट इक्वल के दूसरी साइड जाने के बाद न्यूमिरेटर में चला जाएगा. तो यहाँ से 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं k doesn't equals to 3. तो यहाँ पर हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी आ रही है, b, दैट इज k doesn't equals to 3.